आप देख रहे हैं जेटीवी न्यूज़। देश भर में कोविड 19 की महामारी की वजह से न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, वहीं कोविड 19 की चपेट में कोई भी व्यक्ति नहीं आ सके, इसीलिए भारत सरकार के द्वारा कोविड 19 वैक्सीन जनता के लिए जिला अस्पताल में पहुंचाई जा रही है, जहां से उन्हें वैक्सीन लग सके और जनता को कोरोना की चपेट में आने से बच सके। पेश है इटावा से राहुल तिवारी की एक खास रिपोर्ट। आज हमको 11 कोविशील्ड की 11,970 खुराक वैक्सीन की प्राप्त हुई है। इसके लिए 16 जनवरी को वैक्सीन नेशन लॉन्च किया जा रहा है, पूरे देश में लॉन्च किया जा रहा है अलग अलग स्थानों पर। तो जनपद इटावा में 3 स्थानों पर वैक्सीनेशन 16 जनवरी को किया जाएगा और इसमें 2 खुराकें दी जाएंगी। पहली खुराक के ठीक 28वें दिन दूसरी खुराक दी जाएगी। इटावा में कितने लोगों को वैक्सीन लगेगी और किन किन लोगों को? इसके लिए 3 चरणों में वैक्सीन लगाने की व्यवस्था की गई। पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग, ICDS और प्राइवेट हॉस्पिटल के कर्मचारी और इनको पहले चरण में लगेगी। उसके बाद सुरक्षा कर्मी जिनमें पुलिस, PSC, मिलिट्री और राजस्व विभाग के लोग शामिल। तीसरे चरण में 50 वर्ष से अधिक आयु के लोग और 50 से कम उम्र के ऐसे लोग जिनको कुछ निश्चित बीमारियां जिनका श्रेणी में रख दिया गया है वो होंगी, उनका रजिस्ट्रेशन करके उनका वैक्सीनेशन किया जाए। तो जगह चिन्हित की गई वो कौन कौन सी? 16 जनवरी के लिए सैफई मेडिकल कॉलेज, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसवंत नगर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भरतनागुड़ी।